साग के पकोड़े, पकोड़े वो भी नोनी और चौराई के साग के। पकोड़े एक ऐसी चीज है जो कि हर दिल को पसंद आते हैं और हर व्यक्ति इसे बड़े ही चाव से खाना चाहता है, वो भी अगर चौराई और नोनी साग के पकोड़े हो तो फिर बात ही क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चौराई और नोनी साग के गर्मा गर्म पकौड़े, जिसको कि आप अपने फैमिली के साथ चाय और सुबह के नाश्ते में खाएं और इसका लुफ्त उठाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चौराई और नोनी के साग के पकौड़े। चौराई को चौलाई के नाम से भी जानते हैं और नोनी को नुनिया और कुल्फा के नाम से भी जानते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा कप बेसन। अब इनमें हम कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में बेसन को डाल लेंगे। बेसन में हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर बेकिंग सोडा, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और धनिया। साथ ही साथ इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, हल्का सा और पानी डाल के हम बैटर को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तैयार किए हुए बैटर को हम साइड में रख लेंगे और ये जो हमने साग लिया था इन दोनों सागों को बारीक काट लेंगे। सबसे पहले हम इस चौराई की साग को काट लेते हैं। अब हम नोनी की साग को भी काट लेंगे। अब इन कटे हुए सागों को इस तैयार किए हुए बैटर में डाल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पकौड़े के लिए बैटर हमारा तैयार है। इसको ढककर अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बेसन जो है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। इसके बाद हम पकौड़े तलेंगे। तो बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम पकौड़े तलना शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब इस तरह से हम स्पून से छोटे छोटे पकौड़े डाल लेंगे। आप हाथों से भी डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अभी हम इन पकौड़ों को नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा इसे हम नीचे की तरफ से सिकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। तो करीब 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, अभी इन्हें हम पलट लेते हैं। बहुत ही सावधानी से हम धीरे धीरे पलट लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम पकौड़ों को गोल्डन कलर आने तक तल लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड से हमारे पकौड़े अच्छे से तल गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही टेस्टी हैं। गर्मा गर्म साग की पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। चाय के साथ इन पकौड़ों को सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए, तैयार हो गई चौराई और नोनी साग के पकोड़े, जिसको कि आप चाय के साथ सर्व करें और इस पकोड़े का लुफ्त अपनी फैमिली के साथ उठाएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
रेसिपी की कंप्लीट डिटेल चैप्टर वाइज बारीकियों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कृपया उन्हें देखें। साथ ही साथ रेसिपी का लुत्फ़ उठाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।